नमस्कार, स्वागत है आपका दस्तक इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ अजय चौधरी। आज हम आए हैं हरियाणा के पलवल जिले में। पलवल से गांधी जी की बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए आज गांधी जयंती के अवसर पर हम ये स्पेशल स्टोरी लेकर आए हैं आपके लिए। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि पलवल से गांधी जी की कौन सी यादें जुड़ी हैं, गांधी जी ने यहाँ पर क्या किया था और कौन कौन सी वो यादें हैं जिन्हें पलवल ने अपने अंदर संजो कर रखा है। भारत पर राज कर रही ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1919 में रोलट एक्ट पारित किया, जिसके तहत देशद्रोह के अभियुक्तों को बिना मुकदमे के ही जेल में डालने का प्रावधान किया गया, जिसके खिलाफ महात्मा गांधी ने सत्याग्रह रखा और 6 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में सत्याग्रह आंदोलन के तहत लोग हड़ताल पर बैठ गए। ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती थी कि गांधी जी पंजाब जाएं, लेकिन गांधी जी नहीं माने और वो बंबई से रेल में सवार हो लिए, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ने 9 अप्रैल 1919 को उन्हें हरियाणा के पलवल स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। ये गिरफ्तारी आधिकारिक तौर पर गांधी जी की पहली गिरफ्तारी थी। उन्हें पुलिस हिरासत में बंबई ले जाकर रिहा कर दिया गया। इस गिरफ्तारी से देश भर में रोष उत्पन्न हो गया। महात्मा गांधी और अन्य आंदोलनकारी नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में प्रदर्शन कर रहे करीब 20,000 निहत्ते लोगों पर जनरल डायर ने गोलियां चलवा दी। गांधी जी को पलवल रेलवे स्टेशन के इसी प्लेटफॉर्म नंबर 4 से गिरफ्तार किया गया था। गांधी जी की याद में प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर एक छोटा सा बागीचा भी लगाया गया है, जिसमें एक श्याम पट पर गांधी जी की गिरफ्तारी का ये पूरा वाक्य भी बताया गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, गांधी जी की याद में पलवल में गांधी आश्रम का भी निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन खुद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सन 1919 में किया था। अंग्रेजों ने रॉलेट एक्ट पास किया, उसका भारतवर्ष में विरोध हो रहा था। उसके सिलसिले में अमृतसर जलियांवाला बाग में एक रैली रखी थी। महात्मा गांधी जी मुंबई से चले, उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहे थे। मथुरा जब ट्रेन पहुंची तो उनको एक बैन ऑर्डर दे दिया गया कि भी आपकी पंजाब में एंट्री बंद है, क्यों 25-30 किलोमीटर के बाद पंजाब शुरू हो जाता, पहले ये ज्वाइंट पंजाब था। और उन्होंने उस ऑर्डर को मानने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, लिख दिया। उस ऑर्डर की कॉपी यहाँ म्यूजियम में है हमारे में। पलवल ट्रेन आई, ट्रेन रोक कर DM गुड़गांव ने उनको अरेस्ट कर लिया। इस पर पलवल के लोगों ने भाई स्मृति बनाई जाए और यहाँ कोई ऐसी बनाई जाए यादगार, जिससे कि हमेशा ये याद रखे भी गांधी जी की गिरफ्तारी यहाँ हुई थी। बनाने के बाद में यहाँ लोगों ने जमीन दी, विचार हुआ, सुभाष चंद्र बोस जी को आमंत्रित किया गया। 2 अक्टूबर 1938 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने यहाँ आकर गांधी सेवा आश्रम की नींव रखी और वो कमरा अब तक भी बना हुआ है और चल रहा है। उसके बाद यहाँ एक म्यूजियम की स्थापना की गई। बनारसदास गुप्ता हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने की, उसमें सुधार किया गया और एक बहुत बढ़िया म्यूजियम बाद में बनाया गया और गांधी जी की प्रतिमा लगाई गई। ऑफिस, कार्यालय, गांधी उद्यान और यहाँ ये सब चीज़ की गई। यहाँ सुबह शाम लोग शहर के लिए आते हैं और इस वातावरण को देखकर, स्वच्छता को देखकर बहुत खुश होते हैं कि शहर में कोई भी ऐसा उद्यान नहीं है, पार्क नहीं है जैसा ये गांधी उद्यान है। इसी संग्रहालय में गांधी जी की गिरफ्तारी का अरेस्ट वारंट जो है, उसकी कॉपी यहाँ पर लगी हुई है। हम आपको दिखाते हैं कि वो कॉपी कहाँ है, उसमें क्या क्या कुछ लिखा है और अखबारों की कटिंग गांधी जी की गिरफ्तारी की उस दिन की, वो भी यहाँ पर है। यहाँ 10 अप्रैल 1919 को जो गिरफ्तार हुए थे मथुरा में, इनको बैन ऑर्डर दे दिया गया था। उस बैन ऑर्डर की कॉपी यहाँ ये लगी हुई है। इसका सेकंड पार्ट ये लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया था कि भाई मैं इस ऑर्डर को मानने से रिफ्यूज़ करता हूँ। और अखबार में उस दिन छपा था कि गांधी जी वाज अरेस्टेड, उसकी कॉपी यहाँ इस संग्रहालय में लगी हुई है। म्यूजियम में जन्म से और अंतिम समय तक की बहुत दुर्लभ तस्वीरें यहाँ मौजूद हैं, जहाँ से लाए थे वहाँ भी मौजूद नहीं हैं। और यहाँ पर इन तस्वीरों को देखने के लिए बहुत ही गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और हमारे बाबा आमटे, गांधी जी की पोत्री और अन्ना हजारे तक आ चुके हैं।